हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ जनरल कंपाउंड्स। जैसे आपको कोई कंपाउंड्स का नेम दे दिया गया, उसका आपको फॉर्मूला पता नहीं है, तो आज की क्लास में आप उससे फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पर देखिए बेटा, जो कंपाउंड्स है उसका जनरली फॉर्मेशन दो पार्ट से होता है। एक होता है आपका कैटायनिंग पार्ट, एक होता है आपका एनायनिंग पार्ट। इससे होता है आपका कैटायन पार्ट से और एनायन पार्ट से। जनरली कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय टू पार्ट्स, कैटायन पार्ट्स और एनायन पार्ट्स। कैटायन पार्ट्स ऊपर बात करते हैं, दीज आर कॉल्ड बेसिक रेडिकल। क्या नाम देंगे इनको? बेसिक रेडिकल एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल, क्लियर? कैटायंस आर कॉल्ड बेसिक रेडिकल, एनायंस आर कॉल्ड एसिडिक रेडिकल्स। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्मेशन होगा? आपका कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। कैसे फॉर्मेशन होगा? सपोज कैटायन इज ए प्लस एक्स, एक्स इज द नंबर ऑफ चार्ज। एनायन इज वाई एंड माइनस सॉरी ए बी माइनस वाई। A is the cation plus X, number of charge. B is the anion minus Y, number of charge. Then during the formation of compound by the help of this cation and anion, the number of charge of plus, the number of charge of minus get cross multiplied without their sign. Without their sign, this is an unnecessary. A, Y and B, X. A, Y and B, X. Then, convert into simple ratio if required. क्या कहा मैंने आपसे? कन्वर्ट इन सिंपल रेशियो इफ रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड है तो इस वाले नंबर के आपके फॉर्मूले को अपन किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? सिंपल रेशियो में। अपने पास यहां पर फॉर्मूला जाएगा ए वाई बी एक्स, बेटा ए वाई बी एक्स। दैट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड बाय द हेल्प ऑफ कैटायन बेसिक रेडिकल एंड एनायन एसिडिक रेडिकल। ए प्लस एक्स, बी माइनस वाई, these are combined with each other and their valency charge get cross multiplied without their sign, a whole y, b whole x. Convert in simple ratio if required, then obtain a y b x type of compound. This is the method of formation of compound by the cation and anion. क्लियर? अब अपने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। उससे पहले मैं आपको देखिए, ये सारे कैटायन जनरल जो कंपाउंड्स में आपको यूज आएंगे वो आपके एनायन से जो आपको कंपाउंड में यूज लेने हैं। तो देखिए Na प्लस सोडियम, K प्लस पोटेशियम। जनरली ध्यान देना बेटा, आपके मोस्टली जो कैटायन के नेम होते हैं वो एलिमेंट के नेम पे कोडिंग होते हैं। कुछ एक में चेंज है, जैसे आपका ये प्लस टू प्लस फोर, प्लस टू प्लस थ्री, प्लस वन प्लस टू, प्लस वन प्लस टू, बिकॉज दीज आर एग्जिस्ट इन मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेप। लोअर में स्टेनस, हायर में स्टेनिक, लोअर में फेरस, हायर में फेरिक, लोअर में मर्क्यूरस, हायर में मर्क्यूरिक, लोअर में क्यूप्रस, हायर में क्यूप्रिक। दैट मीन्स इन एनी एलिमेंट एग्जिस्ट इन लोवेस्ट ऑक्सीजन स्टेट देन यूज्ड अस स्टेनस, फेरस, मर्क्यूरस, क्यूप्रस। एंड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वी यूज्ड इक, स्टेनिक, फेरिक, मर्क्यूरिक एंड क्यूप्रिक। क्लियर? एंड मोस्टली एनायन नेम्स आल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू देयर एलिमेंट नेम। एफ माइनस आल्सो कॉल्ड फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एनओ थ्री माइनस नाइट्रेट, एसओ फोर माइनस टू सल्फेट, पीओ फोर माइनस थ्री फॉस्फेट, ओएच माइनस हाइड्रोक्साइड,
CH3CO minus acetate, N minus 3 nitride, S minus 2 sulfide, SO3 minus 2 sulfite, ध्यान देना बेटा इसमें, SO4 minus 2 sulfate, SO3 minus 2 sulfite, O minus 2 oxide, CO3 minus 2 carbonate. Right? Now, there are four examples. First is sodium sulfate. First is sodium sulfate. देखिए, that is the part of cation. That is the part of anion. Formula is sodium Na plus. Sulfate is SO4 minus. Then cross multiply their charges. Na whole twice. SO4 whole one. 2-1. तो यहां पर इसको सिंपल रेशियो में चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. देन वी ऑब्टेन Na2SO4. वी ऑब्टेन Na2SO4. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट. क्लियर? नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज एल्यूमिनियम कार्बोनेट. एल्यूमिनियम कार्बोनेट. एल्यूमिनियम इज Al प्लस 3, कार्बोनेट इज CO3 माइनस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई, Al का होल ट्वाइस, CO3 का होल थ्राइस. 2 एंड 3 नॉट रिक्वायर्ड टू सिंपल रेशियो. देन रिटर्न इज Al2 CO3 का होल ट्वाइस. देन पार्ट ऑफ एनायन मोस्टली डायट्राएटोमिक फॉर्म. पार्ट ऑफ एनायन मोस्टली गिवन एज ए डायट्राई और टेट्राएटोमिक फॉर्म. देन नंबर 2, 3, 4 आल्सो रिटन इज ए ब्रैकेट. होल 3, होल 4, होल ट्वाइस. सिंगल वो लिखेंगे नहीं, बट होल 2, होल 3, होल 4 अगर आता है तो उसको किसमें लिखेंगे? ब्रैकेट में. यहां पर इसको रिटन बनाएंगे. क्लियर बेटा? नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका कौन सा? एल्यूमिनियम नाइट्राइड. एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सॉरी, एल्यूमिनियम नाइट्राइड. देखिए नाइट्राइड, नाइट्राइड देखिए Al प्लस 3 और N माइनस 3, आप उधर से मैच कर सकते हो. देन क्रॉस मल्टीप्लाई, Al का होल थ्राइस और N का होल थ्राइस. Then we obtain Al3N3. अब इसको अपन सिंपल रेशियो में चेंज करेंगे तो क्या जाएगा बेटा? AlN. दिस इज द एल्यूमिनियम नाइट्राइड. क्लियर? इस द सेम नंबर आए आपके या 2, 4 आए, 3, 6 आए, इस टाइप से अपन कन्वर्ट इन टू सिंपल रेशियो. राइट? नेक्स्ट है आपका फेरिक क्लोराइड. कौन सा है? फेरिक क्लोराइड, FeRIC, और नेगेटिव पार्ट है आपका फेरिक क्लोराइड. हम क्या लेंगे? फेरिक मतलब Fe प्लस, क्लोराइड मतलब Cl माइनस. क्रॉस मल्टीप्लाई, Fe होल वन, Cl होल थ्री. नॉट रिक्वायर्ड सिंपल रेशियो. देन ऑब्टेन Fe Cl3. दिस इज द फेरिक क्लोराइड. क्लियर? नाउ by the help of the formula of this cation and anion, we obtain the molecular formula, molecular formula of different type of compounds. Clear? I hope आपको ये पूरे formulas या example समझ में आए होंगे. आज के लिए इतना ही. वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू क्लास.